गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेपर की क्लिपिंग लेके आया हूँ। बहुत ही छोटी सी क्लिपिंग है जिसमें हम लोग काफ़ी सारी बातें समझेंगे, इसकी ग्रामर को समझेंगे, इसकी वॉकुलरी को समझेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक रहें, इसकी ग्रामर को समझिए, टू बी हेल्पिंग अप का इस्तेमाल कब किया गया है, कौन से टेंस का इस्तेमाल किया गया है, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है और क्यों किया गया। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पीछे वीडियो को ना छोड़ें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चालू करते हैं कि ये क्या क्लिपिंग है। तो दोस्तों, लिखा हुआ है टाइगर हाइड सीज्ड इन स्यूनी वन हैंड। तो टाइगर की जो हाइड है दोस्तों, यहाँ पर हाइड का मतलब छिपना नहीं हो रहा है, हाइट का मतलब यहाँ पर खाल हो रहा है। जो टाइगर की जो खाल होती है उसको भी हाइट कहते हैं, उसको कब्जे में लिया गया। सीजन होता कब्जे में लेना, कब्जे में लिया गया। दोस्तों, कभी भी जो हेडिंग होती है, वैसे यहाँ पर पास सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, तो हेडिंग जो होती है वो ग्रामर से रिलेटेड नहीं होती है, टेंस से रिलेटेड नहीं होती है। तो वैसे भी हेडिंग को और टाइटल को अट्रैक्टिव बनाना होता है, तो मोस्टली ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर पास सिंपल में लिखा गया है। तो टाइगर की हाइट को कब्जे में लिया गया इन सिवनी। सिवनी में, सिवनी एक जगह का नाम है मध्य प्रदेश की, एक डिस्ट्रिक्ट है। वन हेल्ड, एक गिरफ्तार किया गया, ये होल्ड का सेकंड फॉर्म है, एक को गिरफ्तार किया गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भोपाल, अ 41 ईयर ओल्ड मेन वॉज अरेस्टेड। एक 41 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, यहां देखिए पेसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया, वॉज अरेस्टेड। एक 41 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया, पास सिंबल का पेसिव वॉइस है, बाय स्टेट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, मतलब राज्य के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा, इन सिवनी डिस्ट्रिक्ट। सिवनी डिस्ट्रिक्ट में वाइल ट्राइंग टू सेल अ टाइगर हाइट, टाइगर हाइट को बेचने की कोशिश करते हुए। तो देखिए, वाइल के बाद में दोस्तों जब भी हमारा आता है वो आईडी फॉर्म में आता है, जैसे वाइल डूइंग करते करते, वाइल टीचिंग पढ़ाते पढ़ाते, वाइल खेले, वाइल प्लेइंग खेलते खेलते, उसी प्रकार वाइल ट्राइंग टू सेल अ टाइगर हाइट, टाइगर हाइट के बेचने की कोशिश करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। द अरेस्ट वॉज मेड, गिरफ्तार किया गया लेट ऑन मंडे नाइट, मतलब लेट ऑन मंडे नाइट, मंडे की नाइट को बहुत लेट, 12 के आसपास, 11 के आसपास किया गया होगा, फ्रॉम पोर्टलाई विलेज। पोर्टलाई विलेज से, पोर्टलाई नाम की कोई जगह होगी दोस्तों, वहां से उसे गिरफ्तार किया गया, जो कि 25 किलोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर है। वन ऑफ द एक्यूज्ड मैनेज टू एस्केप। तो आरोपी में से एक्यूज एंड आरोपी होता है, तो आरोपी शायद एक से ज्यादा रहे होंगे, तो आरोपी में से एक मैनेज टू एस्केप, भागने में सफल रहा, भागने में उसे मैनेज किया, वो भाग गया। एज इट वॉज डार्क, क्योंकि अंधेरा था। यहाँ पर एज क्योंकि के सेंस में आ रहा है दोस्तों, तो जैसे मान लो आई विल नॉट गो टू स्कूल एज आई एम इल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो एज क्योंकि के सेंस में आता है। यू शुड नॉट गो आउट एज इट इज रेनिंग, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है, तो एज यहाँ पर क्योंकि के सेंस में आ रहा है, क्योंकि अंधेरा था इसलिए वो भागने में अपने आप को मैनेज किया, उसने भागने में सफल रहा। नेक्स्ट देखते हैं, टीम्स हैव बीन डिस्पेज्ड, टीम को भेज दिया गया है। यहाँ पर भी परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया गया, टीम्स को भेज दिया गया है फॉर हिज अरेस्ट, उसके अरेस्ट करने के लिए, उसके अरेस्ट करने के लिए टीम को भेज दिया गया है। द ऑफिशियल्स ऑल्सो हैड अ कन्फ्रंटेशन विद द लोकल्स, ऑफिसर्स का कन्फ्रंटेशन हुआ था, आमना सामना हुआ था। दोस्तों, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना हुआ था विद द लोकल्स, वहां के जो लोकल निवासी थे, स्थानीय निवासी थे, उनसे आमना सामना हुआ था। एज द एक्यूज्ड रेज्ड एन अलार्म, क्योंकि एक्यूज्ड ने, क्यों आमना सामना हुआ था दोस्तों, क्योंकि एक्यूज्ड ने, हाँ आपको समझ में आ रहा होगा, हैड अ कन्फ्रंटेशन विद द लोकल्स, एज द एक्यूज्ड रेज्ड एन अलार्म, क्योंकि उसने एक
चेतावनी दे दी थी, चेतावनी उन्हें रेज्ड एन अलार्म फॉर हेल्प, मदद करने के लिए उसने चिल्लाया, रेज्ड एन अलार्म, उसने सचेत किया लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को। गवर्नमेंट व्हीकल्स वर डैमेज्ड, गवर्नमेंट के जो वाहन थे उसको नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई, एंड द पोलिस डायल 100 व्हीकल हैड टू इंटरवेन, और 100 डायल जो है उसको हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि उसने जब अलार्म किया तो सभी लोकल्स आ गए होंगे उसको बचाने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल्स से दे हैड अ टिप ऑफ, ऑफिशियल्स ने कहा कि उनको गुप्त सूचना मिली थी, दे हैड अ टिप ऑफ, उनको गुप्त सूचना मिली थी अबाउट देम, उनको गुप्त सूचना मिली थी अबाउट हेमचंद भलावी, उसका नाम है हेमचंद भलावी के बारे में उसे गुप्त सूचना मिली थी। हाँ तो दोस्तों वो कस्टमर को ढूंढ रहा था, लुक फॉर एन ढूंढना होता है, उसी प्रकार लुक इनटू यानी छानबीन करना होता है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, और लुक एट यानी देखना होता है, पता है आपको, लुक आफ्टर देखभाल करना होता है, माँ बच्चे की देखभाल कर रही है तो मदर इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। तो लुक के बाद जब कोई प्रेपोजिशन जुड़ जाता है तो उसका एकदम अर्थ बदल जाता है, तो यहाँ पर लुक फॉर का मतलब हो रहा है ढूंढना। एक कस्टमर को ढूंढ रहा था, खोज रहा था, टू सेल अ टाइगर हाइड को बेचने के लिए, टू अ ट्रेप वॉज लेड, जाल बिछाया गया, ट्रेप यानी जाल होता है, जाल मतलब वो वाला जाल नहीं, नेट वाला जाल नहीं, मतलब उसको पकड़ने के लिए योजना बनाई गई, जाल बिछाया गया। यूजिंग अ डिकॉय कस्टमर, एक प्रलोभन देने वाला कस्टमर का इस्तेमाल करते हुए एक नकली कस्टमर बनाया होगा, एंड भलावी वॉज आस्क्ड, और भलावी से कहा गया टू कम, आने के लिए कहा गया, वॉज आस्क्ड पेसी वाइज का इस्तेमाल, टू कम विद द हाइट को लेकर आए, एट अ फार्म एक खेत में, फॉर द फाइनल डील के लिए। वैन ही, देखो दोस्तों ही की स्पेलिंग गलत लिखी, यहां पर डी एक्स्ट्रा दे दिया है, वैन ही एंड हिज सन इन लॉ, जब वह और उसका दामाद रिज्ड पहुंचे द स्पॉट पे विद द हाइट के साथ, इन अ सेक यानी बोरा होता है दोस्तों, बोरे में हाइट के साथ पहुंचे, तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स अरेस्टेड हिम, फॉरेस्ट ऑफिसर ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। द सन इन लॉ रेन अवे, जो उसका दामाद था वो भाग गया, सन इन लॉ रेन अवे, रन का सेकंड फॉर्म है दोस्तों, रन अवे यानी भाग जाना, इसका सेकंड फॉर्म रेन अवे। स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्लाते हुए, स्क्रीम यानी चिल्लाना होता है, चिल्लाते हुए, देखो दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि वर्ब में आईएनजी लगेगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, चिल्लाते हुए, खाते हुए, जाते हुए, जब भी हमको ऐसा बोलना है तो वर्ब में हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो चिल्लाते, मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग गया वो। ही टोल्ड द लोकल्स, उसने लोकल्स को बताया, वहां के स्थानीय निवासियों को बताया, दैट दे वर अटैक्ड बाय रॉबर्स, कि उन्हें डाकुओं के द्वारा अटैक किया गया, उन पर आक्रमण किया गया डाकुओं के द्वारा, उसने वहां जाकर झूठ बोला। वेन द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वर रिटर्निंग, जब फॉरेस्ट के अधिकारी लौट रहे थे, वेन द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वर रिटर्निंग, दे वर वे लेड, दोस्तों वे ले यानी होता है ताक पर बैठना, घात लगाए बैठना, किसी का इंतजार करते हुए बैठना उन पर आक्रमण करने के लिए। तो ये देखिए सेकंड फॉर्म लगा, नहीं थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, वर के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब वे लौट रहे थे तो दे वर वे लैंड, वे ताक लगाए बैठे थे, एंड सराउंडेड बाय अ टीम को घेर लिया गया गांव वालों के द्वारा बाय विलेजर्स। व्हेन डायल 100 व्हीकल रीच्ड, जब डायल 100 व्हीकल पहुंची स्पॉट पे, अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जब उसे सूचना दी गई, सूचना प्राप्त करने पर, अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, देखिए अपॉन एक प्रेपोजिशन है दोस्तों, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो वर्ब में आईएनजी लगेगा, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब उनको इंफॉर्मेशन मिली तो 100 डायल पहुंची, द विलेजर्स स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स,
तो विलेजर्स ने उन पर पत्थर फेंकना चालू कर दिया। दोस्तों स्टार्ट के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो वर्ब में एनजी आएगा, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि स्टार्ट, स्टॉप, अवॉइड, एंजॉय, अप्रिशिएट, लाइक, डिसलाइक, इनके बाद जब भी वर्ब आता है वो मोस्टली एनजी फॉर्म में आता है, हेट, एचएटी, वर्ब में एनजी आता है। तो पत्थर फेंकना उन्होंने चालू कर दिया एट इट, उस पर व्हीकल पर, 100 डायल पर। इट टूक अनदर आवर, एक घंटा और लगा फॉर द पुलिस, पुलिस को, एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स टू कन्विंस, और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को और पुलिस वालों को एक घंटा और लगा कन्विंस द विलेजर्स, गांव वालों को समझाने के लिए, एक घंटा और लगा गांव वालों को समझाने के लिए, मनाने के लिए, दैट दे हैड अरेस्टेड अ पोचर, कि उन्होंने एक शिकारी को गिरफ्तार किया है। ये पोचर का मतलब होता है शिकारी, इसने शिकार किया है इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया है, विथ टाइगर हाइट, टाइगर के खाल के साथ, टाइगर के हाइट के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। तो इसलिए आप हमें हमें इंटरफेयर ना करें हमारे काम में। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैव कॉन्फिस्केटेड, फॉरेस्ट ऑफिसर ने कब्जे में लिया है, कॉन्फिस्केट यानी होता कब्जे में लेना, इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दिया है, उनके साथ थर्ड फॉर्म आएगा, द हाइट, हाइट को कब्जे में लिया है, एंड अ नाइफ, और एक चाकू कब्जे में लिया है, फ्रॉम द पजेशन ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज के कब्जे से, पजेशन यानी कब्जा, उनके कब्जे से, आरोपी के कब्जे से उन्होंने कब्जे में लिया है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक था, और ये क्लिपिंग है 9 मई की, 9 मई, आज 9 मई है दोस्तों, आज का एक छोटा सा क्लिपिंग है, छोटे से क्लिपिंग से मैं आपको समझाना, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हम लोग इसकी ग्रामर को कैसे समझें, इसके वॉकैबुलरी को कैसे समझें, वॉकैबुलरी कैसे याद करें। दोस्तों आप लोग अलग से अगर वॉकैबुलरी याद करेंगे तो आप अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते पढ़ते वॉकैबुलरी की याद करते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और आप सारे वर्ड्स को, सारे वॉकैबुलरी को आप कनेक्ट करते किसी कहानी के माध्यम से। आज हमारे सामने कौन कौन सी वॉकैबुलरी आई दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताएंगे कि वॉकैबुलरी हमारे सामने क्या क्या, ग्रामर भी आई, वाइल के बाद वर्ब में आईजी आएगा, एक्यूज यानी आरोपी होता है, एस्केप यानी भाग निकलना होता है, तो इस प्रकार के लुक फॉर का मतलब ढूंढना होता है, लुक इनटू यानी छानबीन करना होता है, लुक आफ्टर यानी देखभाल करना होता है, इस प्रकार के बहुत सारे आपको वॉकैबुलरी मिले होंगे। कॉन्फिस्केट यानी होता है कब्जे में लेना, स्क्रीम यानी चिल्लाना, रन अवे आपको पता है भाग जाना, एक वे ले का एक नया वर्ड मिला आपको, WAY, वे ले, वे ले यानी ताक पर बैठना या ताक लगाए बैठना। तो इस प्रकार के बहुत सारे वॉकैबुलरी मिलते हैं और ये हम लोग इसको रिलेट करते हैं। सेक, एक ऐसे सीके आया, सेक यानी बोरा होता है, वैसे सेक यानी बर्खास्त करना भी होता है। ट्रेप आपको मिला, ट्रेप यानी क्या होता है, जाल होता है। कन्फ्रंटेशन मिला, आमना सामना, कन्फ्रंटेशन। डिस्पेच मिला, पुलिस को डिस्पेच कर दिया गया, उसे भेज दिया गया। तो इस प्रकार के ये जो वर्ड्स अगर आप लोग देखते हैं तो आप उस कहानी से, उस स्टोरी से, उस घटना से उसको रिलेट करते हैं तो आप बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, क्योंकि अलग से आप कोई वॉकैबुलरी याद करेंगे तो आपको जल्दी याद नहीं होगी, आप भूल जाएंगे। तो किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर से पढ़ी हुई वॉकैबुलरी जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि हम लोग उसको उस इंसिडेंट से रिलेट करते हैं, उसको उस इंसिडेंट से कनेक्ट करते हैं, तो हमको बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो क्लिपिंग था वो समझ में आ गया होगा, आज का पेपर रीडिंग समझ में आ गया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, क्लिपिंग अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूँ जो हमारी इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इम्प्रेसिव बना देगी और हमारी भाषा में चार चांद लगा देगी। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके डाउट के साथ और मेरे डाउट के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।